हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.3 करने से पहले हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसको हम एपी सीरीज़ से कंपेयर करके देखेंगे जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो एपी सीरीज़ हमें पता था कि जिसमें हमें ये दी हुई है, जैसे सीरीज़ 3, 6, 9, 12, 15, और ये हमें जीपी सीरीज़ दी हुई है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एपी सीरीज़ है और ये जीपी सीरीज़ है? तो एपी सीरीज़ और जीपी सीरीज़ में फ़र्क ये होता है कि पहले तो इसमें दोनों में हम नंबरिंग दे देते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ऐसे हमारे पास और टर्म्स होंगी। और वैसे ही जीपी सीरीज़ में हमारे पास ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ। जो एपी सीरीज़ होती है उसमें डिफरेंस कैसे फाइंड करते थे? डिफरेंस ऐसे होता था, डी ए टू माइनस ए वन, मतलब 6 - 3 कितना आया, 6 - 3 3, या फिर a3 - a2 करेंगे तो कितना मिला हमें, 9 - 6 9 - 6, ये भी आया 3। तो ये होता था हमारा कॉमन डिफरेंस। लेकिन अगर हम इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करें, 6 - 3 करेंगे तो 3 आ गया, 12 - 6 करेंगे तो 6 आया। अब इसमें हमारे पास डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। अब इसमें हमें यहाँ पे डिफरेंस 3 का है, यहाँ डिफरेंस 6 का है, यहाँ पे डिफरेंस 12 का है। तो ये हमारे पास अब एपी सीरीज़ नहीं रही, अब ये हमारे पास होगी जीपी सीरीज़। और जीपी सीरीज़ में क्या होता है, जीपी सीरीज़ में कॉमन रेशो होती है। इसमें जैसे हमारे पास कॉमन डिफरेंस था, ये जो डी है हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो यहाँ पर कॉमन रेशो होता है। कॉमन रेशो जैसे कि अगर हम आर फाइंड करें, आर को हम यहाँ पर कॉमन रेशो बोल रहे हैं। मतलब सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म हमारे पास है 6 और फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 2। वैसे ही अगर हम R2 फाइंड करें, तो यहाँ पे थर्ड टर्म मतलब A3 अपॉन सेकेंड टर्म मतलब A2 कितना आएगा, 12 अपॉन 6, ये आ गया 2। वैसे ही अगर हम R3 फाइंड करें, A4 - A4 अपॉन A3, तो फोर्थ टर्म हमारे पास है 24 और थर्ड टर्म हमारे पास है 12, तो ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेशियो है वो सेम आ रही है, इसमें हमारे पास जो है डिफरेंस सेम आता था। तो यहाँ पे हम एपी सीरीज़ में हम कॉमन डिफरेंस की बात करते थे और जीपी सीरीज़ में हम कॉमन रेशियो की बात करेंगे। अब आते हैं हम जनरल टर्म पे। जो एपी सीरीज़ की जनरल टर्म होती थी, इसका फॉर्मूला हमारे पास था जनरल टर्म, ये फॉर्मूला था हमारे पास a n a + n - 1 d। लेकिन जो हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है a n = a r n - 1। इसके बारे में तो आपको पता है क्या है। और यहाँ पे जो a है वो हमारा फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे जो R है वो है हमारी कॉमन रेशो। nth टर्म तो मतलब जैसे हमने फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसे फाइंड करनी थी। अगर n जब अगर हमें 10th टर्म फाइंड करनी होगी तो n की जगह 10 लगा देंगे। अगर 20th करनी होगी तो a की जगह n की जगह 20 लगा देंगे। तो ये हमारे पास है ये एपी की जनरल टर्म का फॉर्मूला, और ये हमारे पास है जीपी की जनरल टर्म का फॉर्मूला। अब इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होती थी, फर्स्ट टर्म को तो हम ए ही लिखते थे, और सेकंड टर्म को हम ऐसे लिखते थे a+। जनरल टर्म हमारे पास है n की जगह पे 2, a यहाँ पे 2 - 1 d, तो क्या आ गया a+ d। तो सेकंड टर्म हमारे ये होगी a+ d। अगर हमने थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो ये क्या होगा, a+ 3 - 1 d, मतलब a+ 2d। जितना यहाँ पे जितने मतलब टर्म फाइंड करनी होगी, 2 तो यहाँ पे 1d, यहाँ पे 3 तो यहाँ 2d। वैसे ही अगर हमने फोर्थ टर्म फाइंड करनी होगी तो यहाँ क्या आएगा, a+ 3d। वैसे ही अगर हमने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी होगी तो ये हो जाएगा हमारे पास a+ 4d, मतलब यहाँ पे जितनी टर्म है उससे एक कम d। वैसे ही हमारे पास अगर सिक्स टर्म फाइंड करनी होगी तो a+ 5d। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या होगा। इसमें जैसे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होगी a1, वो तो हमारे पास a ही रहेगी,
ये देख लेते कैसे। जैसे मान लो हम हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला था a n a r n -1। अगर हमने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, मतलब n की जगह पे 1, n की जगह पे 1, तो यहाँ क्या आएगा a r n, मतलब 1 माइनस 1 कितना आ गया, a r की पावर 0, और किसी की पावर 0 होती है तो वो क्या होता है, 1। तो ये हमारे पास रह गया फर्स्ट टर्म हमारे पास a। अब सेकंड टर्म देखते हैं, सेकंड टर्म क्या होगी, a2 n की जगह पे 2, तो ये हो गया a r 2 माइनस 1 कितना आ गया, a r 1, मतलब इसको बोल सकते हैं हम a r। तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया, a r। अगर हम थर्ड टर्म फाइंड करें तो यहाँ पे n की वैल्यू 3, मतलब a 3, a r 3 माइनस 1, और ये हो गया a r 2, मतलब थर्ड टर्म का फॉर्मूला हो गया a r²। अब यहाँ से हमें एक चीज़ देख के क्लियर हो रही है कि जब a1 था तो a 2 था तो a r की पावर 1, यहाँ पे 2 है तो r की पावर 1, यहाँ पे 3 है तो a r की पावर 2। वैसे ही अगर हमें फोर्थ टर्म फाइंड करनी होगी तो फोर्थ टर्म में क्या होगा, a r, यहाँ पे पावर 3। अगर हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करनी होगी तो ये होगा a r की पावर 4। वैसे ही अगर हमने सिक्स टर्म फाइंड करनी होगी तो ये हो जाएगा a r की पावर 5। तो हमारी जो ए पी सीरीज़ होगी, यहाँ पे ए पी सीरीज़ क्या थी, ए फर्स्ट टर्म, यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म, उसके बाद a+d, ये हमारे पास है सेकेंड टर्म, उसके बाद a+2d, ये हमारे पास थर्ड टर्म, a+3d, ये हमारे पास फोर्थ टर्म, वैसे ही a+4d, ये हमारे पास फिफ्थ टर्म, ऐसे ही आगे, ये हमारी ए पी सीरीज़ होगी। अब हम अगर जी पी सीरीज़ देखें, जी पी सीरीज़, तो जी पी सीरीज़ क्या होगी, यहाँ पे a1 तो a ही होगा, और सेकंड टर्म a r, थर्ड टर्म a r 2, मतलब एक कम, थर्ड टर्म a r, फोर्थ टर्म a r 3, फिफ्थ टर्म a r 4 पावर 4, सिक्स टर्म फिफ्थ टर्म, ये हमारी फिफ्थ टर्म थी, ये हमारी सिक्स टर्म, मतलब ये हमारी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, ये हमारे जी पी है। यहाँ से a1 था तो यहाँ पे a 2 था तो r की पावर 1, इससे कम, a 3 था तो r की पावर 2, a 4 था तो r की पावर 3, a 5 था तो r की पावर 4, a 6 था तो r की पावर 5, मतलब एक कम उससे। अब अगर हमें कहीं पे भी दिया होगा कि 10th टर्म फाइंड करो, तो हम क्या लिखेंगे, a r 9, ये फाइंड करना है, वहाँ पे हमें a की वैल्यू दी होगी, कोई भी वैल्यू, मान लो 1 2 दी हुई है, और हमें r कॉमन रेशो दिया होगा 1, तो हम इसको इसमें पुट करेंगे और हमें 10th टर्म मिल जाएगी। तो 10th टर्म क्या होगी, a हमें 2 दिया और r हमें 1 इसकी पावर 9, और यहाँ से आ गया जो 10th टर्म होगी हमारी 2। तो इसमें हमने ध्यान रखना है कि इसमें कॉमन रेशो से सब में रेशो सेम होगी, और उसमें क्या था, उसमें हमारे पास डिफरेंस सेम था, वहाँ पे कॉमन डिफरेंस की बात करते थे ए बी में, यहाँ पे हम कॉमन रेशो की बात करेंगे। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें दिया हुआ है कि फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ जी पी। तो ये हमारे पास है सिक्वेंस दिया हुआ है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, हमें क्या फाइंड करना है, 20th टर्म और nth टर्म। हमारे पास जो फर्स्ट टर्म थी वो है 5/2, हमें क्या फाइंड करने को बोला, 20th टर्म, तो हमें फाइंड करने को बोला a 20, मतलब हम बोल सकते हैं a r 19, मतलब हमें a की वैल्यू मिल जाए, r की वैल्यू मिल जाए, तो हम 20th टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो a की वैल्यू तो हमें पता है 5/2, और r की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से आर फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म क्या है हमारी, 5/4 अपॉन फर्स्ट टर्म, ये हमारा 5/2, तो इसको लिखेंगे 5/4, ये टर्म ऐसे रहते, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये 5/2, ये हो जाएगा 2/5, 5 से 5 कैंसिल, ये 1/2, यहाँ से कॉमन रेशियो हमें मिल गया 1/2,
तो यहाँ पे 28 टर्म फाइंड करेंगे, तो ए की वैल्यू हमारे पास थी 5/2, और आर आर कितना था, 1/2 उसकी पावर 19। अब यहाँ से 5/2, और यहाँ पे 1/2 की पावर 19, 1 की पावर तो जितनी मर्जी हो 1 ही रहता है। अब यहाँ पे बेस सेम पावर ऐड, जैसे 2 की पावर 1 और 2 की पावर 19, तो ये हो गया 2 की पावर 20। तो यहाँ से आ गया 5/2 की पावर 20, तो जो 20th टर्म थी वो हमारी इतनी होगी, 5/2 रेज़ टू पावर 20। अब हमें पूछा था एंड nth टर्म ऑफ जीपी, तो nth टर्म क्या होगा, a r n-1। अब यहाँ पे a की वैल्यू हमें मिली है, a की वैल्यू हमें गिवन थी 5/2, तो यहाँ पे 5/2, और r r कितना हमारे पास, r है 1/2 और इसकी पावर n-1। अब यहाँ से 5/2 और 1/1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही रहेगी, और 2 की पावर यहाँ से क्या आ गई, n-1। अब नीचे बेस सेम पावर ऐड, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n 2 की पावर n-1, तो बेस सेम पावर ऐड 1 + n-1 ये कैंसिल, तो 2 की पावर n, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 5/2 रेज़ टू पावर n, तो ये होगी हमारी nth टर्म। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी हुज 8th टर्म इज़ 192। तो जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हम वैसे लिख लेते हैं, जो 8th टर्म दी हुई है हमें 192, a8 = 192, या फिर ऐसे लिख सकते हैं a r की पावर 7 = 192, ये गिवन हमें। एंड द कॉमन रेशो इज़ 2, एंड कॉमन रेशो मीन्स आर की वैल्यू हमें दी हुई है 2। हमें क्या फाइंड करना है, 12th टर्म, तो 12th टर्म मतलब ये फाइंड करना है, या फिर a12 को हम लिख सकते हैं a r की पावर 11। अगर हमें a मिल जाए और r मिल जाए तो हम 12th टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो a की वैल्यू हमें चाहिए, r की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था, a r 7 = 192, हमें r पता है, r की वैल्यू इसमें पुट करेंगे a हमें मिल जाएगा, तो आर भी है हमारे पास, ए भी आ जाएगा, और 12th टर्म हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास है ए को ऐसे लिख देते हैं, आर कितना है 2 की पावर 7, तो ये 2 की पावर 7 = 192। अब ये 2 को यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, तो ये हो गया 2 की पावर 7। तो इसको हम ऐसे ओपन करके लिख लेते हैं, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे, 2 × 2 ये 7 टाइम्स, अब इसको कैंसिल करके करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, टू फोर ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, अब ये 2 24 पे, अब ये 12, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे 3, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 3/2, a = 3/2। अब हमें r भी पता है और a भी पता है, तो हम 20th टर्म फाइंड कर सकते हैं, 12th टर्म फाइंड कर सकते हैं, तो 12th टर्म a12 = a r की पावर 11, और a कितना था, a था हमारे पास 3/2, और r कितना मिल गया हमें, r मिला हमें, r हमें गिवन था 2 2 की पावर 11, तो यहाँ से एक 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा 3 × 2 रेज़ टू पावर 10, तो इतना हमारा आंसर आ गया। वैसे हम अपने आंसर को यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये आएगा 3 और 2 को 10 टाइम्स, 2 × 2 × 2, ये 10 टाइम्स लिख देंगे। वैसे यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो हमारा आंसर एकदम सही है, यहाँ पे मार्क्स नहीं कटेंगे हमारे, लेकिन अगर हम आगे लिखना चाहते हैं तो (2^4), (2^8), (2^16), (32), (64), 128, 256, 256, 512, 512 और 124, तो ये हो गया 3 × 124। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, 17, 3 × 1 = 3, तो हमारे पास जब
ट्वेल्थ टर्म आ गई, वो आ गई 372, 3072। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर टू। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री, द फिफ्थ टर्म एट्थ टर्म एंड इलेवेंथ टर्म ऑफ जी पी आर पी क्यू एस देन शो दैट क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। तो जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ हम वैसे वैसे लिख लेंगे। हमें बोला है कि जो फिफ्थ टर्म है वो कितना है पी, और जो हमारी एट्थ टर्म है वो दी हुई है क्यू, और जो हमें दी हुई है इलेवेंथ टर्म वो दी है एस। तो जैसा जैसा दिया था हमने वैसा वैसा लिख लिया। अब इसके बाद इसको फिफ्थ टर्म को हम लिख सकते हैं ए आर फोर इक्वल टू पी, और यहाँ से ए आर सेवन इक्वल टू क्यू, और यहाँ से ए आर टेन इक्वल टू एस। अब हमें क्या बोला था क्यू स्केयर इक्वल टू पी एस प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं फिर राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो जब लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है क्यू स्क्वेयर। अब क्यू स्क्वेयर यहाँ पे क्या था, क्यू क्यू हमारे पास है ये, और हमें क्या करना है इसका स्क्वेयर। तो पहले हम क्यू की वैल्यू लिख देते हैं, क्यू की वैल्यू थी ए आर सेवन, और इसका हमें स्क्वेयर करना है तो ये हम स्क्वेयर कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा ए का स्क्वेयर और आर की पावर सेवन इंटू टू फोर्टीन। तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड पर हमें क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड पर हमें दिया हुआ है पी एस पी इंटू एस। पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास ए आर फोर, ए आर की पावर फोर, और एस की वैल्यू हमें दी हुई है, एस की वैल्यू ए आर की पावर टेन। यहाँ से ए ए ए स्क्वायर, और यहाँ से आर की पावर फोर आर की पावर टेन, तो ये कितना आ गया आर की पावर फोर्टीन। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई राइट हैंड साइड। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर आर फोर्टीन, राइट हैंड साइड ए स्क्वायर आर फोर्टीन। तो यहाँ से हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। तो यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, द फोर्थ टर्म ऑफ जी पी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। अब जैसे हमें पहली लाइन में दिया हुआ है हम वैसे ही लिख लेंगे, जो हमारी फोर्थ टर्म है वो है स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, ये दिया हुआ है हमें, एंड द फर्स्ट टर्म इज़ माइनस थ्री, और जो हमें फर्स्ट टर्म गिवन है वो दिए माइनस थ्री। हमें क्या फाइंड करना है सेवन्थ टर्म, तो ए सेवन हमें फाइंड करना है। तो अगर हमें सेवन्थ टर्म फाइंड करनी है तो उसके लिए ए आर सिक्स, मतलब हमें ए पता होना चाहिए और आर पता होना चाहिए। ए तो आर तो हमें पता है लेकिन ए नहीं पता, तो ए हम यहाँ से फाइंड करेंगे। तो यहाँ से कैसे फाइंड करेंगे, ये ए फोर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम दोबारा यहाँ लिखते हैं ए फोर इक्वल टू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो ए फोर को हम लिख सकते हैं ए आर थ्री, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ए आर इसकी पावर टू, यहाँ से ए आर की पावर क्यूब, और यहाँ पे ए स्क्वायर और ये आर स्क्वायर। यहाँ से इससे ये ए कैंसिल, और यहाँ से दो ये पूरा कैंसिल। तो यहाँ पे एक आर रह गया और यहाँ पे एक ए रह गया, और ए की वैल्यू हमें दी हुई थी कितनी माइनस थ्री, तो यहाँ पे लिख देंगे आर इक्वल टू माइनस थ्री। तो ए की वैल्यू भी हमें माइनस थ्री मिली दी हुई है, और आर की वैल्यू भी हमारी माइनस थ्री आ गई। हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था ए सेवन, तो ए सेवन इक्वल टू क्या था ए आर सिक्स, और ए कितना आया, ए हमें गिवन था माइनस थ्री, और आर हमें मिल गया माइनस थ्री का, आर हमें मिल गया माइनस थ्री, और उसकी पावर कितनी है सिक्स। तो यहाँ से माइनस थ्री, और ये माइनस थ्री कितने टाइम्स सिक्स टाइम्स। अब इसको यहाँ पे हमारे पास जो पावर है इवन है, तो माइनस तो प्लस का हो जाएगा, और थ्री कितने टाइम्स हो जाएगा थ्री सिक्स टाइम्स। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन थ्री ज़ा 27, 27 थ्री ज़ा 81, 81 थ्री ज़ा 81 थ्री ज़ा 243, 243 थ्री ज़ा 729। तो यहाँ से आ गया माइनस थ्री इंटू 729। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री को नाइन से,
थ्री टू ज़ा सिक्स टू एट, थ्री सेवन ज़ा 21, तो यहाँ पे हमारे सेवन्थ टर्म आ गई माइनस 2187। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।